डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म के संदर्भ में दिए बयान को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। इस बीच स्टालिन ने कहा कि परसों मैंने एक समारोह में इसके बारे में बात की थी, मैंने जो भी कहा वही बात बार बार दोहराऊंगा, मैंने सभी धर्मों के शामिल किया, सिर्फ हिंदुओं को नहीं, मैंने जातिवाद की निंदा करते हुए वो बात बोली थी। भाजपा ने विपक्ष पर अपना हमला करते हुए कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस हिंदू विरोधी है। कांग्रेस ने कहा कि हर राजनीतिक दल को अपने विचार रखने की आजादी है, लेकिन वह सर्वधर्म स्वभाव की विचारधारा में विश्वास रखती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू के बुखार से करते हुए कहा था कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि उन्मूलन किया जाना चाहिए। रक्षा मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने सनातन धर्म पर द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों को लेकर सोमवार को विपक्ष पर निशाना साधा और सवाल किया कि इस पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अशोक गहलोत चुप क्यों हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उदयनिधि जो कहा है वह चौंकाने वाला और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि उदयनिधि द्वारा अपने बयान को दोहराया जाना और हतप्रभ करने वाला है। केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कांग्रेस से पूछा कि क्या इंडिया ने सनातन धर्म के खिलाफ अपने एजेंडे को अंतिम रूप देने और उसे पूरे देश में समाप्त करने के लिए मुंबई में बैठक की थी। उदयनिधि के बयान के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा, हमारा रुख स्पष्ट है, सर्वधर्म स्वभाव कांग्रेस की विचारधारा है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर राजनीतिक दल को अपने विचार रखने की आजादी है, हम हर किसी की आस्था का सम्मान करते हैं। इस मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे ने कहा कि कोई भी धर्म जो समान अधिकार नहीं देता वो धर्म नहीं है और एक बीमारी के समान है। खड़गे का कहना था कि कोई भी धर्म जो समानता को बढ़ावा नहीं देता है, कोई भी धर्म जो यह सुनिश्चित नहीं करता है कि आपको एक मनुष्य होने की गरिमा प्राप्त है, वह मेरे अनुसार धर्म नहीं है, इसलिए यह एक बीमारी के समान ही है।